तो वेलकम बैक जनाब। हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 10 और आज के दिन जनाब हम लोग जानने वाले हैं यहाँ पर पैडिंग प्रॉपर्टी के बारे में। अब ये पैडिंग प्रॉपर्टी CSS के अंदर कैसे यूज़ की जाती है, इसका क्या तरीका होता है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। लोग आ चुके हैं यहाँ पर अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ पैडिंग के बारे में। अब पैडिंग प्रॉपर्टी जो होती है CSS के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ही अहम रोल अदा करती है। अब जनाब यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये हमारी HTML की बॉयलर प्लेट है, जो कि इनिशियल कोड होता है किसी भी HTML वेब पेज को बनाने के लिए। मैंने HTML पेज के जब आप बनाकर दिखा रहा था, जब HTML का कोड समझा रहा था, तो मैंने आपको ये सब समझा रखा है। मैंने यहाँ पर देखिए एक लिंक कर दी है एक्सटर्नल फाइल CSS की, ये देखिए style.css, और ये सब मैंने बेसिक इस कोर्स के अंतर्गत समझा रखा है। अगर आप नए आए हो तो कोर्स को चेकआउट कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, प्लस नोट्स भी मिल जाएंगे, चीट शीट भी मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स होने वाला है और कॉस्ट फ्री, मतलब कोई भी पैसा नहीं, और प्रीमियम कंटेंट आपको मिलने वाला है। ठीक, मैंने किया क्या है, मैं यहाँ पर डिव टैग बनाया। ठीक, डिव टैग को एक आईडी दे दी, आईडी मैंने दिया P1, और मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ में एक ऐसे ही रैंडम सा टेक्स्ट लिख दिया, डमी टेक्स्ट, जो कि कोई यहाँ पे वैल्यूएबल नहीं है। इस मैंने भरने के लिए लिखा है, बिकॉज इस पर मुझे CSS अप्लाई करनी है। ओके, तो इतना आपको मालूम है कि ये बहुत ही नॉर्मल सा ही आप कर लोगे। डिव टैग सीधे ओपन करना है, आईडी लिखना है, आईडी के बाद P1 लिखना है इन्वर्टेड कॉमा में, और फिर उसके अंदर आपको चाइल्ड टैग के अंदर पैराग्राफ टैग ओपन करना है और रैंडम से टेक्स्ट आप लिख लो, कुछ भी कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके आपको इंग्लिश का टेक्स्ट लिख लेना है। पैराग्राफ क्लोज कर दो, डिव टैग को यहाँ पे क्लोज कर दो। अब ये जैसे कि आईडी है और उसका नाम है P1, तो हम लोग CSS में जब भी स्टाइल करते हैं तो हम लोग सिलेक्टर का यूज़ करते हैं। मैंने सिलेक्टर वाली लेक्चर में आपको समझाया था कि सिलेक्टर मेनली जो हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टैग सिलेक्टर, जिसको हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर भी बोलते हैं, दूसरा आईडी, तीसरा क्लास। तो आईडी सिलेक्टर जो होता है यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग को हैश लगाना होता सबसे पहले, फिर उसका नाम देना होता है। तो मैंने दे दिया हैश P1। अब हम लोग यहाँ पे आपको आज पैडिंग समझाने वाले हैं कि पैडिंग क्या होती है। बेसिकली अगर पैडिंग को एक वर्ड में बोले तो पैडिंग स्पेस होता है, जगह होती है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो गैप होता है वो हम लोग पैडिंग से डिसाइड करते हैं। ओके, अब इस चीज़ को प्रैक्टिकल समझते हैं कि यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, इसको एंटर दबाया, और यहाँ पे मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो गैप आएगा पैडिंग से, उसका डिफरेंस आपको क्लियर समझ में आने वाला है। बॉर्डर नहीं दूंगा तो आप उतना क्लियर नहीं समझ पाओगे। तो बॉर्डर के लिए भी मैंने वीडियो CSS कोर्स के अंतर्गत बना रखी है। अगर आप रेगुलर वॉच कर रहे हो तो बॉर्डर देना, आप कहोगे भाई मुझको आता है, मैं छुट्टियों में दे सकता हूँ, इस तरीके बॉर्डर लिखूंगा। बॉर्डर लिखने के बाद में मैं शॉर्टकट वाला यूज सिस्टम कर रहा हूँ, आप लॉन्ग भी कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, 1 पिक्सल सबसे पहले विड्थ बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा किस तरीके का बॉर्डर रखना है, मतलब स्टाइल बताऊंगा। तो मैं सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर रखना चाहता हूँ। ठीक, इतना हो गया। अगर मैं अभी आपको कंटेंट यहाँ पे चला कर दिखाऊँ, तो मैंने यहाँ पे देखिए विजुअल स्टूडियो कोड में लाइव सर्वर से इसको कनेक्ट कर रखा है, और ये देखिए ओपन होके आया है इस तरीके। तो अब ये जो रेड लाइन देख रहे हो ये इसका बॉर्डर है, ठीक, और बीच में कंटेंट है। अगर मैं इसको रेड लाइन को थोड़ा सा गाढ़ा कर दूँ, 2 पिक्सल कर दूँ, तो शायद आपको अच्छे से दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ये 2 पिक्सल की बॉर्डर बन चुकी है और इसके बीच में कंटेंट है। अब आपको क्या करना है, ये जो मेरा कर्सर दिख रहा है, ये जो हिल रहा है, इस कर्सर को बस ध्यान से देखो। ये कर्सर कहाँ पे रखा हुआ है, ये L पे रखा हुआ है। L से ऊपर देखो, इस ये जो बॉर्डर है और ये L के बीच में स्पेस आपको दिख रहा है, ये आपकी पैडिंग है। ये कौन सी पैडिंग है, ये टॉप की पैडिंग है। ठीक है, L और उसके बीच का जो स्पेस है ये टॉप की पैडिंग है। ठीक, फिर यहाँ पे जो कर्सर रखा है वो A और U के बीच में रखा है। ये जो पैड और नीचे वाला जो ये रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये नीचे की पैडिंग है, तो इसको बॉटम पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो को M और ये इधर की राइट की पैडिंग है, राइट पैडिंग है। ठीक है, फिर इधर जो ये साइड की है ये आपकी लेफ्ट की पैडिंग है। तो 4 प्रकार की पैडिंग, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से इसकी पैडिंग को, अभी देखो पैडिंग कैसे आ रही है, अभी ये कंटेंट के हिसाब से आ रही है, जिस हिसाब से कंटेंट लिखा गया है। अब हम चाहेंगे कि मान लो ऊपर से टॉप से जो पैडिंग है ये 50 पिक्सल बढ़ा दी जाए, तो हम लोग पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर CSS में हम लोग ने इसको सिलेक्ट करके रखा है। बॉर्डर आपकी सहजता के लिए बनाया है कि आपको अच्छे से समझ में आए, बाकी बॉर्डर से आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब मैं यूज़ करने वाला हूँ पैडिंग प्रॉपर्टी, तो मैं लिखूँगा पैडिंग, फिर ये बीच में जो निशान है इसको फिर मैं बोलूँगा, मैं हाइफन का निशान बोलता हूँ,
आप माइनस का निशान बोल लो, डैश का निशान बोल लो, कुछ भी, आपको पैडिंग लिखना है, हाइफन का निशान लगाना है, टॉप, ठीक, टॉप लिखना है, कॉलन का निशान लगाना है, आप उसके बीच में वैल्यू देनी है। वैल्यू पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पिक्सल में देकर दिखाता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया 50 पिक्सल, ठीक। अब मैं कोड को रन करूँ तो यहाँ पे देखना बदलाव आपको साफ समझ में आएगा कि जो L और ये ऊपर वाली लाइन की जो स्पेस थी ये काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ये स्पेस कितनी बढ़ गई, ये 50 पिक्सल बढ़ गई, ठीक है। तो 50 पिक्सल बढ़ गई है। अब मैं कहूँ कि मुझे नीचे की भी स्पेस बढ़ानी है, अभी जो 19 लिखा है, यहाँ मेरा कर्सर ये 19 लिखा है, इसकी और ये नीचे बॉर्डर लाइन की स्पेस बढ़ानी है, तो ये स्पेस मान लो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा 20 पिक्सल बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? फिर इंटर मारा, मैंने कहा पैडिंग जो है वो बॉटम की बढ़ानी है, नीचे को हम लोग बॉटम बोलते हैं, डाउन नहीं बोलते हैं सीएसएस के अंदर। तो पैडिंग और हाइफन के निशान बॉटम लिखना है, कॉलन का निशान ये होता है डबल बिंदु वाला, और उसके नीचे आपको वो वैल्यू देनी जितनी बढ़ानी है। तो मैंने कहा 20 पिक्सल बढ़ा दो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 20 पिक्सल इसने बढ़ा दिया। अब देखो ये 19 और ये जो रेड लाइन है इसके बीच में 20 पिक्सल की पैडिंग बढ़ गई। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनाब कि यहाँ पे राइट और लेफ्ट की पैडिंग कैसे बढ़ेगी। तो राइट की पैडिंग बढ़ाकर देखते हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने इंटर मारा, मैंने कहा पैडिंग जो है वो बढ़ा दो राइट की। तो जिस तरीके हम लोग टॉप बॉटम की लिख रहे थे उसी तरीके देखिए, पैडिंग हाइफन के निशान राइट फिर कॉलन, इस तरीके हम लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे हम लोग मान लो परसेंटेज का यूज़ करके देख लेते हैं, अभी तक हम लोग पिक्सल का यूज़ कर रहे थे। तो मैं कहूँगा राइट में ज़्यादा फर्क ना करो, सिर्फ 10% का फर्क करो, बस बहुत है, ठीक है। तो 10% बहुत है। मैं यहाँ पे आऊँ, देखो 10% का फर्क यहाँ पे हुआ है। अब हो सकता है 10% में आपको समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि 10% काफ़ी कम होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं तो 20 कर दूँ या फिर 30 कर दूँ थोड़ी देर के लिए इमेजिनेशन के लिए, तो अब आपको फ़र्क समझ में आने लगेगा कि राइट में देख लो कितना स्पेस बढ़ गया है। पर मैं कहूँगा कि 30 ज़्यादा है, मैं कहूँगा 10 रखते हैं, ठीक। अब मुझे ऐसे ही लेफ्ट की पैडिंग भाई बढ़ा कर दिखाओ। वीडियो भी छोड़ना मत, आपको लग रहा होगा टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऐसे देकर हो जाता है। अभी मैं आपको शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ, शॉर्टकट इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्टकट को अभी से रटना स्टार्ट करोगे ना तो प्रोफेशनल डेवलपर बनना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो पैडिंग जो है ये लेफ्ट की, ठीक, इसी तरीके सेम सिंटेक्स लिखा हम लोगों ने। अब यहाँ पे सिंटेक्स मतलब होता है लिखने का तरीका, ओके। तो पैडिंग जो लेफ्ट होती है वो मान लो हमने कहा 20% बढ़ाओ, मतलब राइट से थोड़ा सा ज़्यादा 20%। कंटेंट को देखा तो ये 20% बढ़ गई। अब अगर देखें तो टॉप से 50 पिक्सल, डाउन से आपकी 20 पिक्सल, ठीक है, आपकी राइट में 10 पिक्सल और लेफ्ट में आपकी लमसम 20% बढ़ गई, ठीक है। राइट में आपकी कितने परसेंट, 10% बढ़ी है, और लेफ्ट में आपकी 20% बढ़ी है, टॉप में 50 पिक्सल और बॉटम में आपकी कम से कम 20 पिक्सल बढ़ी है। इस तरीके से हम लोग जो स्पेस को बढ़ाते हैं वो हमारी पैडिंग होती है, जिससे हमारा कंटेंट देखो सेंटर पे आ गया। इसी तरीके हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये बॉर्डर सिर्फ आपकी सहजता के लिए आपको समझ में आया, इसलिए बनाया गया है। अब यहाँ पे शॉर्टकट समझते हैं कि जिस तरीके हम लोगों ने यहाँ पे जनाब टॉप बॉटम राइट लेफ्ट लिखा है, इसको क्या हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपने मेरी बॉर्डर वाली वीडियो देखी होगी जहाँ पर मैंने बॉर्डर आपको समझाया है, तो आप अब मेरी जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। नहीं तो हो सकता है आपको लगे कि यार क्या चीज़ है। बाकी मैं आपको यहाँ पे आपका डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इंटर, बस आपको मेरी बात समझनी है। मैंने कहा कि मुझे पैडिंग जो है, पैडिंग वर्ड लिखा, कॉलन का निशान लगाया। अब सबसे पहले मैं एक वैल्यू देता हूँ नॉर्मल सी 25 पिक्सल। अब मैं कहूँ ये जो 25 पिक्सल दिया है ये कहाँ की है, अब टॉप की है, बॉटम की, राइट की, लेफ्ट की, कहाँ की, आप मुझे एक सेंस लगाओ और कमेंट करके बताओ कि अभी जो 25 पिक्सल दी गई है ये कहाँ की है। क्योंकि ऊपर तो हम लोग बताते थे कि टॉप की, बॉटम की, राइट की, लेफ्ट की, नीचे हम लोगों ने इसको बताया नहीं, तो ये कहाँ की बढ़ाएगा, ठीक। तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये है चारों तरफ की, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ इसने 25 पिक्सल बढ़ा दिया। ये देखो 25 पिक्सल ऊपर, 25 पिक्सल नीचे, और दाएं बाएं भी 25 पिक्सल बढ़ा दिया, ठीक। अब मैं स्पेस लूं जनाब, और अगर अब मैं यहाँ पे डाल दूं 50 पिक्सल, ठीक है, तो अब मैं अगर पूछूं ये 50 पिक्सल किस कहाँ की बढ़ा दी, क्योंकि ये 25 पिक्सल तो चारों तरफ की बढ़ा रहा, तो ये 50 पिक्सल कहाँ की बढ़ा दी, तो अब थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। अब ये जो पहले वाला है ये टॉप और बॉटम की 25 पिक्सल बढ़ाएगा, मतलब टॉप में 25 पिक्सल की स्पेस और बॉटम में 25 पिक्सल की स्पेस, और ये जो दूसरा वाला है ये दाएं और बाएं, लेफ्ट राइट की 50 पिक्सल की स्पेस बढ़ाएगा।
मतलब पहले वाला टॉप और बॉटम की स्पेस को मैनेज करेगा, पैडिंग को मैनेज करेगा, और बाद वाला आपके लेफ्ट और राइट की पैडिंग को मैनेज करेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ऊपर ऊपर से 25 और लेफ्ट राइट से 50 बढ़ गई है। लेफ्ट राइट में क्योंकि हम लोगों ने बाद में दिया इसलिए ये लेफ्ट राइट पे अप्लाई होगा, और जो पहले दिया गया है वो अप्लाई होगा 25, जो पहले दिया है 25 वो यहाँ पे टॉप और बॉटम में अप्लाई होगा। अब एक क्वेश्चन मैं करूँगा कि मुझे पर्टिकुलर टॉप की अलग चाहिए, बॉटम की अलग चाहिए, लेफ्ट की अलग चाहिए, राइट की अलग चाहिए, पर मैं यहाँ पे शॉर्टकट के अंदर ही इसको यूज़ करना चाहता हूँ। इस तरीके नहीं लिखूंगा टॉप अलग, बॉटम अलग, राइट अलग, लेफ्ट अलग, सिर्फ शॉर्टकट में मुझको टॉप की अलग, बॉटम की अलग, लेफ्ट की अलग, राइट की अलग कैसे हो सकता है ये, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको स्पेस लेना है, ठीक। स्पेस लेने के बाद अब जो वैल्यू डालोगे, ठीक है, जैसे ही तीसरी वैल्यू पड़ जाती है, मान लो मैंने यहाँ तीसरी वैल्यू डाली 30 पिक्सल, तो अब यहाँ पे क्लॉकवाइज सिस्टम शुरू हो जाता है। क्लॉकवाइज सिस्टम क्या, जो 25 पिक्सल है ये आपकी टॉप की वैल्यू है, ठीक। 50 पिक्सल जो है ये आपकी 25 पिक्सल जो है ये आपकी टॉप की वैल्यू है, 50 पिक्सल आपकी राइट की वैल्यू है, 30 पिक्सल आपकी बॉटम की वैल्यू है, और 30 के बाद जो हम लोग डालेंगे यहाँ पे 70 ये आपकी लेफ्ट की वैल्यू है। आई होप आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। ये 30 पिक्सल यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ओके, ठीक। तो अब आप यहाँ पे देखो जो 25 है ये किस चीज़ की है, ये आपकी टॉप की है, फिर ये राइट की है, बॉटम की है, लेफ्ट की है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ठीक, इस तरीके से टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये आपकी टॉप की है, ये फिर राइट की है, ये बॉटम की है, ये लेफ्ट की, क्लॉकवाइज चलेगा ना सिस्टम। तो देखो यहाँ पे जो टॉप की है स्पेस ये आपकी 25 पिक्सल है, फिर आपकी ये जो राइट की स्पेस है ना ये 50 पिक्सल है, ओके, तो इतना क्लियर है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग शॉर्टकट दे सकते हैं। मैं आपका रिवीजन करा दूं, हम लोग ने कुछ नहीं किया, सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर बना दिए जिससे आपको पता चले कि बॉर्डर के बीच में कंटेंट का स्पेस क्या है। उसके बाद पैडिंग टॉप लिखोगे, 50 पिक्सल डालोगे तो टॉप में बढ़ेगी, फिर आप यहाँ पे पैडिंग बॉटम डालोगे तो नीचे की बढ़ेगी, इधर राइट डालोगे तो राइट की बढ़ेगी, और लेफ्ट डालोगे तो लेफ्ट की। शॉर्टकट में क्या होगा, शॉर्टकट में पहला आपका टॉप की वैल्यू है 25 पिक्सल, फिर आपकी राइट की वैल्यू है 50 पिक्सल, फिर आपकी बॉटम की वैल्यू है 30 पिक्सल, फिर लेफ्ट की वैल्यू है 70 पिक्सल। तो इतना आपको क्लियर है। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन बनाया गया है, आप कमेंट करिए, कमेंट का आंसर आपको मिलेगा। थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, आधे घंटे दो घंटे टाइम लगेगा, पर आपको कमेंट का आंसर मिलेगा। जहाँ पर अगर इतने में कोई डाउट हो कि जैसे बहुत लोगों का डाउट होता है कि ये जो सीक्वेंस चलता है इस सीक्वेंस में लोगों को डाउट होता है कि पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, ये इसमें डाउट है। तो इसमें मैं अगर आपको एक बार फिर रिपीट कर दूँ, ये आपकी टॉप की वैल्यू है 25 पिक्सल, राइट की वैल्यू है 50 पिक्सल, फिर ये 30 पिक्सल है बॉटम की और 70 पिक्सल है लेफ्ट की। मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो 25 पिक्सल देखो ये टॉप की है, ठीक है, फिर उसके बाद जो हम लोगों ने 50 लिखी है ये आपकी राइट की है, ठीक, फिर उसके बाद में जो हम लोगों ने ये लिखी है 30 ये आपकी बॉटम की है, और सबसे ज़्यादा जो लिखी है 70, ठीक है, वो 70 हमारी यहाँ पे जो 70 लिखी है ये हमारी लिखी है लेफ्ट की, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये लेफ्ट की वैल्यू लिखी गई है, ओके। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, आपने यहाँ पे पैडिंग के बारे में समझा। अगर आपसे कोई इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन करता है कि जनाब पैडिंग क्या होती है, तो आप कह सकते हो पैडिंग कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, वो पैडिंग होती है। कोई पूछता है पैडिंग को किस तरीके हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं, तो कह दो उसके दो तरीके होते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम राइट लेफ्ट इस तरीके करके बढ़ा सकते हैं। एक ये शॉर्टकट तरीका होता है जिसमें सबसे पहले टॉप, दूसरा फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, इस तरीके होता है। अगर यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू मैं कुछ नहीं यहाँ पे बढ़ाकर 250 कर देता हूँ, 250, ठीक है, 250। उसके उपरांत अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो देखो ये इधर की वैल्यू कितनी बढ़ गई। तो आप अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर मेरी मेहनत पसंद आई है तो आप एक प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कुछ मैं आपसे मांगता नहीं, सिर्फ लाइक करो, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी। और ऐसे प्रीमियम अच्छा कंटेंट लाएंगे, अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आएंगे। सी की तैयारी मैं कर रहा हूँ, पर सी लाने से पहले मुझे इसके प्रोजेक्ट्स कराने CSS HTML के, जहाँ पर मैं क्लॉक बनाकर सिखाऊंगा, कैलकुलेटर बनाकर दिखाऊंगा, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आने। उसके बाद कुछ और वीडियोस रोड मैप लाने, फिर मैं आपको सी लैंग्वेज का कोर्स प्रॉपर डिटेल में दूंगा, जहाँ पर वो इतना सरल मैं उसको बनाऊंगा
कि एक बच्चा भी अगर 9th क्लास का है वो भी पढ़ेगा तो समझ जाएगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया, उसका कंटेंट पसंद आया, तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगी। आज वीडियो में जनाब इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।